ये सारा मैंने 2 पेजेस में पूरे रिप्लिकेशन को समराइज कर दिया हुआ है। बस कुछ है नहीं, पहले स्लाइड को बस देख लीजिए, यहां तक दिमाग में इंफॉर्मेशन है। ए ओरिजिन जो प्रोकैरियोट में तो ओआरआईसी था, यूकैरियोट में एआरएस था। नेचर बाइपार्टाइल्स हो कर रहे थे, इसमें मल्टीपार्टाइल्स हो कर रहे थे। ओरिजिन जो है इसमें जिसकी बात की जाती है वो डीयूई और बेसिक तौर पे डीओआर थे, बेसिक इसमें डीओआर मिसिंग है। और यहाँ पे जो है ए बी1, ए डोमेन, बी डोमेन और सी डोमेन थे। रिप्लिकॉन ये मोनो रिप्लिकॉनिक होगा और इसमें जो है वो मल्टी रिप्लिकॉनिक के तौर पे आप शो करते थे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर शो करोगे तो ओआरसी की बात करते हो, ओरिजिन रिकॉग्निशन जो कॉम्प्लेक्सेस थे वो आपके डीएनए ए थे, 9 मर से बाइंड करते थे। इसमें ओआरसी होते, A+B1 से बाइंड करते। मेल्टिंग रीजन यहाँ पे डीयूई है, डुप्लेक्स अनवाइंडिंग एलिमेंट 13 मर, यहाँ पे बी2 डोमेन था। डीएनए की बेंडिंग के लिए IHF और FIS थे, यहाँ पे B3 और C डोमेन थे। हेलिकेज क्लोडर यहाँ पे सिर्फ प्रोकैरियोट में एक होता है, डीएनए सी, यूकैरियोट में 2 होते, CDC6 और CDT1। हेलिकेज जो है वो डीएनए बी होता है हेक्सामेरिक, जबकि यूकैरियोट में MCM227 वो भी हेक्सामर होता है। ATPase की जो प्रॉपर्टी होती है प्रोकैरियोट में डीएनए बी के पास ही होती है, जबकि यूकैरियोट में CDC6 के पास होती है। हेलिकेज का एक्टिवेशन ATP हाइड्रोलिसिस के थ्रू होता है, यहाँ पे CDK, DDK, जींस, CDC45 ये सब आपको बताए गए थे। एंड इनिशिएशन रेगुलेशन जो है वो SEC-A और SDA प्रोटीन के थ्रू होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में CDC6 के डिग्रेडेशन के थ्रू होता है। प्राइमेजेस जो होते हैं प्रोकैरियोट में डीएनए जी होते थे, यहाँ पे पॉलीमरेज अल्फा और प्राइमेजेस कॉम्प्लेक्सेस थे। नेचर जो था इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट सिर्फ आरएनए था, यहाँ पे आरएनए फर्स्ट और डीएनए थे। और इसके बाद जो आईडीएनए इनिशिएटर डीएनए था प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं था, यूकैरियोट में प्रेजेंट है। SSBP यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोकैरियोट में SSB टेट्रामर होता है और यूकैरियोट में RPA होता है। टोपो आइसोमेरेज़ जो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करते हैं, टोपो 1 प्रोकैरियोट में, और गायरेजेस A+B आपके होते हैं और यूकैरियोट में टोपो 1 एंड टोपो 2 थे। इसके बाद भी कई सारी चीजें थी, पॉलीमरेज़ स्विचिंग प्रोकैरियोट में नहीं होती है, यूकैरियोट में होती है। पॉलीमरेज़ अल्फा एप्सिलॉन और डेल्टा में स्विच करता है। पॉलीमरेज़ के टाइप्स में ये मेजर टाइप्स 5 होते हैं, यूकैरियोट्स में मेजर टाइप भी 5 होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट बीटा क्लैंप होता है, पॉलीमरेज़ थर्ड का हिस्सा है, इन द केस ऑफ यूकैरियोट pcRNA है। क्लैंप लोडर जो है गामा कॉम्प्लेक्स है पॉलीमरेज़ थर्ड का, जिसमें कि आपके पास जो है वो डेल्टा डेल्टा उसके बाद फाई है और काई है, जबकि इन द केस ऑफ यूकैरियोट RFC यानी रिप्लिकेशन फैक्टर सी थे। इसके बाद आपके कोर रिप्लिकेजेस में अल्फा एप्सिलॉन थीटा पॉलीमरेज़ थर्ड के थे, यहाँ पे जो है एप्सिलॉन और डेल्टा है। रिप्लिकेशन का जो मोड है वो दोनों में बाईडायरेक्शनल आप शो करते हो, एंड प्राइमर रिमूवल का काम पॉलीमरेज अल्फा, प्रूफ रीडिंग का काम पॉलीमरेज अल्फा, गैप फिलिंग का काम पॉलीमरेज अल्फा ही करता है। लेकिन यूकैरियोट में प्राइमर रिमूवल में एक मॉडल आरएनएज एच मॉडल था और दूसरा जो है फ्लैप मॉडल FEN मॉडल जिसे आप शो करते हो, ठीक है। और दोनों में ही FEN का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन FEN1 का जो फंक्शन है वो दोनों में अलग अलग है। प्रूफ रीडिंग एप्सिलॉन और डेल्टा करेंगे और फिलिंग भी वही करेंगे। सेलिंग ऑफ द निक दोनों में ही लाइगेजेस को आप शो करते हो। एंड जो डुप्लीकेशन रेट है प्रोकैरियोट में थोड़ा ज्यादा होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, यूकैरियोट में 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के आसपास है। टेलोमेरिक का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। और टर्मिनेशन के तौर पर टस प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हो और टोपो आइसोमेरेज फोर्थ को शो करते हो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट का टर्मिनेशन क्लियर नहीं है। समझ में आई बात? कुछ क्वेश्चन जो है फटाफट बता दो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है डुप्लीकेशन का क्या होगा सर। ड्यूरिंग द रिप्लीकेशन आरएनएज एच रिमूव ऑल ऑफ द आरएनए प्राइमर एक्सेप्ट द राइबो न्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली लिंक टू द डीएनए। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ 2 राइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच में तोड़ पाता है, ये बताओ। इसका ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो मेन एंजाइम होता है, और जो को
कोर्नबर्ग ने जो सबसे पहले, और इसमें कोर्नबर्ग में इन्होंने थॉमस और आर्थर का कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये बोला कि डीएनए पॉलीमरेज वन थ्रू आइडेंटिफाई ओरिजिनली बाय कोर्नबर्ग। तो ये बेसिक तौर पे ये कहना चाह रहा है कि जो है पॉलीमरेज वन ओरिजिनली तो किया गया था आर्थर के वजह से, एंड एज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस, ये भी गड़बड़ है। एंड डीएनए रिप्लिकेशन पॉलीमरेजेस जो है वो प्राइमर को रिमूव करते हैं एंड फिल करते हैं डीएनए इक्विवेलेंट को, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और पॉलीमरेज वन जो है वो सॉस रिस्पॉन्स में काम करते हैं, ये गड़बड़ है, इसमें फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो ये वाला। इस क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट पूछा है और लास्ट में याद रहे कि नॉट करेक्ट पूछा है। अच्छा एक बात बताओ कि हेमी मेथाइलेशन एंड सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ ओराइसी बाय द प्रोटीन कॉल्ड सेक ए प्रिवेंट्स द इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन, ऐसा है क्या कि वहां पे अगर हेमी मेथाइलेशन हो और फिर से के प्रोटीन आए तो इनिशिएशन को रोका जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए ए प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएशन, ये भी ट्रू है। द रेशियो ऑफ एडीपी टू एटीपी इज एन इंपॉर्टेंट एज हाई लेवल ऑफ एडीपी इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन, ये गड़बड़ है। हाई लेवल ऑफ एडीपी नहीं, हाई लेवल ऑफ किस क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, अगर यहाँ पे एटीपी होता तो सही था। रिक्रूटमेंट ऑफ एसडीए प्रोटीन बाय द स्लाइडिंग क्लैंप इनिबिट द एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये गड़बड़ है। एसडीए इनिबिट करता है कि प्रमोट करता है, प्रमोट करता है, तो ये भी गड़बड़ है। तो ये, और इन्होंने पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा, तो आंसर क्या है, सी एंड डी, आंसर थर्ड है, किसी ने नहीं बताया। ठीक है, और इसमें से एक भी ऐसा इंफॉर्मेशन है जो नहीं पढ़ाया हूं मैं, चारों स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, थोड़ा बहुत भी नहीं। सेक ए, एच डी ए, डीएनए ए, एटीपी की रिक्वायरमेंट, लेकिन अब ये हाल है तो क्या बचे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है कि डीएनए सिंथेसाइज इन 5' टू 3' डायरेक्शन एंड आरएनए सिंथेसाइज इन 3' टू 5', ये गड़बड़ है। आरएनए की सिंथेसिस भी उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सही है। टुगेदर विद प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड द साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर अर ब्रांच पॉलीमर एंड टीआरएनए एंटीकोडॉन मे पेयर विद मोर देन वन कोडॉन, ये सारे दो स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से आएंगे, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन बताओ। प्राइमिंग ऑफ द डीएनए सिंथेसिस एंड द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर इज कैटलाइज्ड बाय पॉलीमरेज अल्फा एंड एफईएन वन। ठीक है, ये क्वेश्चन विजुलाइज है आप लोगों के लिए। ठीक है, सॉल्व करें। ऑप्शन थ्री होगा,
ये मैंने चीज को अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर टू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इन द फर्स्ट वन ओका जाके फ्रैगमेंट वेयर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिप्लिकेटिंग ई कोलाई, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फरस 32, इन अदर द टू स्ट्रैंड ऑफ ई कोलाई वेयर सेपरेटेड इनटू द एच एंड एल, दोनों स्ट्रैंड को जो है वो एच और एल में किया गया, दोनों को एक नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन पे इमोबिलाइज किया गया एच और एल को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओका जाके फ्रैगमेंट किससे जो है वो हाइब्रिडाइज करेगा, तो आप क्या बोलोगे? दोनों से करेगा, क्योंकि दोनों में ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, ये डिपेंड करता है ना कि साइट कैसे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना चीजें कि दिमाग से उड़ जा रहे हैं? ये बताओ। इसका तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन वन आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप क्या मेंशन करते हो? ऐसे क्वेश्चन को छी टाइप का क्वेश्चन बोलते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है देख के छी करने का मन करता है। ये क्वेश्चन बताओ। टीलोमेरेज आ प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्सेस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हैज अ स्पेसिफिक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी दैट कंप्लीट द रिप्लिकेशन ऑफ टीलोमेयर ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस। ऑल्दो इट हैज मेनी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द डीएनए पॉलीमरेजेस, सम ऑफ देम आर ऑल्सो डिफरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ टीलोमेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेजेस? टीलोमेयर रिक्वायर्स द टेम्पलेट टू डायरेक्ट द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये सही है कि गलत है? सही है, इसको भी टेम्पलेट चाहिए, उसको भी चाहिए। टीलोमियर कैन ओनली एक्सटेंड द 3' ओ एच एंड ऑफ द डीएनए, ये भी सही है। 5' एंड को कर सकता था क्या? अरे ये तो 3' एंड को ही करेगा ना, ये भी तो 3' एंड को ही करेगा। टीलोमियर डज नॉट कैरी आउट लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, ये भी सही है। लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कहाँ करता है? वो तो डीएनए पॉलीमरेज करता है। टीलोमेरेज के पास कोई बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप था क्या? इज देयर एनी स्लाइडिंग क्लैंप? बट टीलोमेरेज किस तरीके से काम करता है? प्रोसेसिव मैनर में। कैसे? अरे प्रोसेसिव कर रहा था ना, समझो, बेसिक तौर पे थोड़ा सा सिंथेसाइज कर रहा था, फिर आगे जा रहा था, फिर प्रोसेस मतलब स्लाइड डाउन करके चल रहा था। तो अब इस चीज तीनों में अगर देखो तो ऑब्जर्व करके देखना कि मैं अगर आपको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा। इसको ऐसे लिख दो कि आप लिखो पॉलीमरेज और लिखो टीलोमरेज, ठीक है? अब आप देखना कितने आसानी से पहुंचोगे। क्या पॉलीमरेज को टेम्पलेट चाहिए? हाँ चाहिए। टीलोमेर को चाहिए? चाहिए। क्या पॉलीमरेज को 3' ओएच चाहिए? चाहिए। टीलोमेरेज को चाहिए? चाहिए। पॉलीमरेज भी प्रोसेसिव है, भले उसके पास स्लाइडिंग क्लैंप है, लेकिन टीलोमेरेज भी प्रोसेसिव है। क्या पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है? करता है टीलोमेरेज। यही दोनों में डिफरेंस है ना। द ओनली डिफरेंस जो यहां पे आप देख पा रहे हो वो कौन सा है? लैगिंग स्ट्रैंड का है। टीलोमेरेज लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं करता, ये बात सही है, और यही डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द टीलोमरेज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डीएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है, यही चीज तो है जो डीएनए पॉलीमरेज को अलग बना रहा है और टीलोमरेज को अलग। ठीक है, वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए फिर प्राइमेजेस और ओकाजाकी फ्रैगमेंट के लिए पॉलीमरेजेस और नॉल आते हैं वहां पे। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरे पीछे जो वर्ड छुपा हुआ है, एक ऊपर स्पेसिफिकली टारगेट है और नीचे नीचे है डू नॉट अफेक्ट।
ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करना कि ये बोला जा रहा है कि टोपो आइसोमेरेजेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन। जो सुपर क्वाइलिंग होती है, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करता है। अगर सुपर क्वाइलिंग होगा तो फिर डीएनए डैमेजेस या होने के चांसेस रहेंगे बेसिक तौर पे। और ये बोला जा रहा है कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग्स। कुछ ऐसे एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं जो टोपो आइसोमरेज जब ब्रेक इंड्यूज करता है, ठीक है, तो ब्रेक इंड्यूस करता है क्योंकि टोपो आइसोमरेजेस ब्रेक क्या करता है, या तो टोपो आइसोमरेज वन जो है वो ब्रेक को इंड्यूस करता है, या तो टोपो आइसोमरेज दूसरा जो है दोनों को ब्रेक करता है। इसके बाद ब्रेक इंड्यूस करने के बाद दोनों की प्रॉपर्टी को इनहिबिट कर देते हैं ड्रग्स। मतलब ब्रेक तो इंड्यूस हो गया, लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया टोपो आइसोमरेज। वो ड्रग ब्रेक के इंड्यूस करने के बाद इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि डीएनए में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक हो जाएगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, और सेल डिवाइड नहीं करेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। कैंसर सेल को मारने का यही तरीका आसान है कि टोपो आइसोमरेज से ब्रेक इंड्यूस करवा दो, ठीक है। तो टोपो आइसोमरेज से ब्रेक इंड्यूस करवा देंगे तो ये काम बनेगा। अब ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये बोला कि विच हैज बीन डेवलप्ड दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ दीज एंजाइम्स। अब एज कैंसर सेल आर रैपिडली ग्रोइंग यूजुअली कंटेन हायर लेवल ऑफ टोपो आइसोमरेज। अगर कैंसर सेल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो है ज्यादा लेवल ऑफ टोपो आइसोमरेज होगा। इस पे अभी वापस आते हैं, थोड़ा सा और आगे स्टेटमेंट जस्टिफाई करिए। द ट्रांजिएंट डीएनए ब्रेक्स क्रिएटेड बाय टोपो आइसोमरेजेस आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट ब्रेक्स इनटू द जीनोम इन द प्रेजेंस ऑफ टोपो आइसोमरेजेस ड्रग्स। बिल्कुल सही बात है कि जो ये ब्रेक क्रिएट करते हैं उसी को परमानेंट ब्रेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। एज कैंसर सेल ऑफन इम्पेयर डीएनए रिपेयर पाथवे, क्योंकि कैंसर सेल के पास डीएनए रिपेयर पाथवे बहुत अच्छा नहीं होता है, इसीलिए टोपो आइसोमरेजेस टारगेटेड ड्रग जो है काफी अच्छा काम करते हैं। ये भी ठीक है। द ड्रग विच स्पेसिफिकली टारगेट टोपो आइसोमरेज डू नॉट इफेक्ट द नॉर्मल फॉर, ये भी ठीक है भाई, कि जो टोपो आइसोमरेज को टारगेट करे डू नॉट नहीं करेंगे नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स को। अब इन दोनों में जरा वन और फोर्थ को ध्यान दो, और दो तो सही है बिल्कुल, तो वन और फोर्थ में कौन ज्यादा सही लग रहा है? अगर कैंसर सेल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो उसमें टोपो आइसोमरेज का लेवल हाई होगा कि कम होगा? हाई होगा ना, मोस्टली हाई होना चाहिए, क्योंकि रैपिडली ग्रो कर रहा है तो भाई रैपिड सेल डिवीजन होगा, और रैपिड अगर सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, मोर तो रिप्लिकेशन होगा, और ज्यादा रिप्लिकेशन होगा तो मोर टोपो आइसोमरेज होगा, और मोर टोपो आइसोमरेज होगा तो वही तो बात हो रही है। तो पहला सही है, तो फोर्थ कैसे गलत होता हुआ नजर आ रहा है? फोर्थ देखो कि अगर आप टोपो आइसोमरेज को टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल को अफेक्ट नहीं करेगा, ये गड़बड़ है। क्योंकि अगर नॉर्मली फास्ट ग्रोइंग सेल भी होगा तो उसमें भी हाई लेवल ऑफ टोपो आइसोमरेज होगा, यस और नो? यहाँ पे अगर सिर्फ नॉर्मल सेल होता तो ठीक था, लेकिन वो भी फास्ट ग्रोइंग है, कैंसर भी फास्ट ग्रोइंग है, तो जब अगर कोई फास्ट ग्रोइंग सेल है तो उसमें टोपो आइसोमरेज जो है वो ज्यादा होगा। और अगर ऐसा कोई ड्रग आप टारगेट कर रहे हैं जो टोपो आइसोमरेज को टारगेट कर रहा है तो नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट कर सकता है, करेगा या नहीं? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए कीमोथेरेपी में बहुत सारे अलग इफेक्ट्स भी ड्रग के देखने को मिलते हैं, सिर्फ कैंसर सेल नहीं डाई होता, बहुत सारे नॉर्मल सेल भी डेथ होती है उस दौरान, तभी तो हेयर फॉल से लेके बहुत अलग अलग समस्याएं झेलने को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर सेल चुन चुन के मार रहा होता तो फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है, दिक्कत मतलब फिर तो सही बात थी। तो इस चारों स्टेटमेंट्स में से जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो जो है गड़बड़ है, बाकी सभी स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि इन्होंने नॉट ट्रू को पूछा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इस स्टेटमेंट को भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। इसमें आगे तो पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ मैं जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं उतने से क्लियर हो जा रहा है।
पहला लाइन, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट डीएनटीपी आरटीपी, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, कैन नॉट, अरे भाई डिफिशियंटली डिस्क्रिमिनेट करता है, एक ही ऑप्शन में, बाकी रीजन तो छोड़ो कैसे करता है, वो तो लिखा है आगे, लेकिन कैन नॉट से पता चल जा रहा है कि भैया करता है, इतना तो समझे कि करता है, इतनी बार सीखे, तो आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है चलो एक ये क्वेश्चन कर लो फटाफट। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक पे बेस्ड है। ये पॉलीमरेज स्विचिंग का ही तो कॉन्सेप्ट है ना, कि अल्फा प्रोसेसिव नहीं होता है लेकिन प्राइमेज एक्टिविटी होती है, जबकि जो आपके एप्सिलॉन और डेल्टा है उनके पास प्रोसेसिविटी है तो प्राइमेज नहीं है। तो प्राइमर फॉर बोथ स्टैंड आर सिंथेसाइज बाय द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा फॉलोड बाय द पॉलीमरेज स्विचिंग विद द एप्सिलॉन डेल्टा, दैट्स इट, यही तो है ना, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं।